गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे, एक नई बहाली आई है, एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये वैकेंसी UCIL से आई है। UCIL मतलब यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे वैकेंसी आई है। ये एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ये आप लोग फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो 18/5/2020 है 10 बजे, और इसका लास्ट डेट जो है फ़ी के साथ, आप लोग को इसमें कुछ फ़ी भी देने पड़ेंगे, जो लास्ट डेट है वो 22/6/2020 है 10 बजे सुबह तक, यानी AM। नीचे देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं। पहले देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, ग्रेजुएशन ऑपरेशनल ट्रेनिंग माइनिंग मेट सी बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट वाइंडिंग इंजन ड्राइवर ब्लास्टर, और कुछ नीचे भी पोस्ट हैं, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस लेबोरेटरी और अप्रेंटिस माइनिंग मेट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 7 पोस्ट हैं यहाँ पे टोटल, और सारे पोस्ट के अलग अलग डिग्री है, सॉरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं, इसमें ITI का तो कहीं पे मेंशन नहीं किया है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने BSc किए होंगे, इंटरमीडिएट किए होंगे, मैट्रिक किए होंगे, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BSc अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आप लोग का, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी SC ST के लिए 55% यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया हुआ माइनिंग मेट में इंटरमीडिएट के लिए है, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट यानी यहाँ पे आपका मैट्रिक लेवल से है, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है 1 ईयर का, देख सकते हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए, ये भी वाइंडिंग इंजन है, इसमें भी मैट्रिक कैंडिडेट मांगा है, ब्लास्टर इसमें भी मैट्रिक है। तो जैसा कि आप लोग इसमें धीरे धीरे आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलिए इसके पे स्केल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो ये पेमेंट है वो अच्छा पेमेंट है, देख सकते हैं आप लोग। और नीचे जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए जो पोस्ट है उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग आराम से इस वीडियो को देखेंगे ताकि सारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्लियर से देख सकते हैं। नीचे बात करेंगे, कुछ यहाँ पे ड्यूरेशन है आप लोग का, यानी कि जब आप लोग स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड जब आप लोग को मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ शर्तें दिया हुआ है, यानी कि कुछ ईयर है ट्रेनिंग पीरियड का। देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इस ईयर में आप लोग का मार्क्स जो मेंशन किया हुआ है सेमी स्किल्ड में, वो 70%, 80% और 90%, यानी कि आपको इस ईयर में आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम एग्ज़ाम सिटी के। इसमें देखिए 16 सिटी होंगे जहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस होंगे, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको और कितने टोटल क्वेश्चन होंगे। तो ये आराम से देखिए वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग को अगर इसकी ज़रूरत हो तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो ITI के लिए नहीं है, फिर से बता दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ITI नहीं भी किए हैं या किए भी हैं तो फिर भी उनको जॉब की अगर ज़रूरत है या फिर उनको ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके फ़ी के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और OBC के लिए 500 रुपये हैं जो बॉयज़ कैटेगरी के हैं, लेकिन गर्ल्स जो भी होंगे उनका फ़ी नहीं लगता है, SC ST PWD इनका फ़ी भी नहीं लगेगा। एज लिमिट की बात करें, यहाँ देख सकते हैं ये एज लिमिट है, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है, यानी कि कुछ एज लिमिट का छूट भी आप लोग को मिलने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। और हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, लिंक है, इस लिंक पे आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए है, और स्पेशल
उन लोगों के लिए जो आईटीआई नहीं भी किए होंगे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप लोग को फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके 10 बजे से 5 बजे पूर्वाह्न तक, यानी 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं और आपको सारी क्वेश्चन जो भी होगी वो उसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप कि ये जो आपको वीडियो मिला है और जो भी इस प्रोसेस के बारे में मैंने बताया आप लोग को वो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।